अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टेली प्राइम में नई कंपनी बनाना। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बताया था। आज हम आपको बताएंगे टेली प्राइम में हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए नई कंपनी कैसे बनाते हैं, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में बताया जाए ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। आइए सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं। उसके लिए टैली के आइकॉन पर जाकर माउस से डबल क्लिक करें। और यदि आइकॉन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक करें और यहां टाइप करें टैली प्राइम। ऐसा करते ही सबसे ऊपर टैली प्राइम दिखाई पड़ेगा जो कि सिलेक्टेड होगा। एंटर प्रेस करें या उस पर पॉइंटर ले जाकर माउस से क्लिक करें। यदि आप लाइसेंस्ड टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं तो सीधे टेली सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, और यदि आप टेली का एजुकेशनल वर्जन उपयोग कर रहे हैं तो इस तरह की विंडो दिखाई पड़ेगी। इसमें कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पहले से ही सिलेक्टेड है। आप चाहें तो एंटर प्रेस करें या माउस से उस पर क्लिक करें, और यदि चाहें तो इसकी शॉर्टकट की टी प्रेस करें। ये देखिए, यहाँ ऊपर कोने में टेली प्राइम EDU लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लाइसेंस जिस भी प्रकार का होगा, जैसे एडुकेशनल, सिल्वर, गोल्ड आदि, वो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप लाइसेंस की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम वापस पिछली स्क्रीन पर जाने के लिए एस्केप की प्रेस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें टैली में नई कंपनी बनाना है, उसके लिए क्रिएट कंपनी में जाना होगा। देखिए, ऊपर की ओर क्रिएट कंपनी दिखाई पड़ रहा है जो कि हाइलाइटेड है। आप चाहें तो एंटर प्रेस करें या माउस से क्लिक करें। ये देखिए, कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। यहां आपको अपनी कंपनी का नाम देना होगा। नाम टाइप करने के बाद आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें। ये देखिए, मेलिंग नेम में वही नाम आ रहा है जो हमने ऊपर टाइप किया था। एंटर प्रेस करें। अब एड्रेस में अपनी कंपनी का पूरा पता टाइप करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेलिंग नेम में जो नाम होता है और यहां आप जो एड्रेस देते हैं, टैली में कोई भी प्रिंट निकालने पर वो उस प्रिंट पर दिखाई पड़ता है। यहां पर एक खास बात ध्यान रखें, टैली में सभी जगह आगे बढ़ने के लिए एंटर का उपयोग किया जाता है, और मान लीजिए आपको लगा कि पहले कोई गलती हो गई है तो पीछे जाने के लिए बैक स्पेस की का उपयोग किया जाता है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। स्टेट के आगे आपको अपना स्टेट यानी राज्य सिलेक्ट करना है। उसके लिए राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ रही है। आप अपने स्टेट के नाम का पहला अक्षर टाइप करें, जैसे हमने मध्य प्रदेश के लिए टाइप किया M। तो देखिए, इस अक्षर से शुरू होने वाले सभी स्टेट्स के नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आप अप या डाउन एरो की से अपनी स्टेट के नाम पर जाकर एंटर प्रेस करें। पिन कोड में अपने शहर का पिन कोड डालें। अब यहाँ पर अपना फोन नंबर डालें। मान लीजिए आपके पास फोन नंबर नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ने यानी स्किप करने के लिए एंटर प्रेस करें। इसी तरह मांगी गई सभी जानकारी भरते हुए आगे बढ़ें। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम के सामने अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, टैली खुद ही उसके आरंभ होने की तारीख यहां दे देगा। यदि आप किसी और फाइनेंशियल ईयर में काम करना चाहते हैं तो उसके आरंभ होने की तारीख आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहां पर दे सकते हैं। ध्यान रखें, भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है, और हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का हिसाब किताब इस कंपनी में रखना चाहते हैं तो यहाँ हमें जो तारीख चाहिए वो है 1 अप्रैल 2020, जो कि दिखाई पड़ रही है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसमें वही तारीख आ रही है जो हमने ऊपर डाली थी। आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। इसे बदलने की आवश्यकता क्यों होती है उसका कारण समझ लेते हैं।
हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कंपनी बना रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल 2020 से, तो ये तो सही है। पर हमारी जो कंपनी है वो शुरू हो रही है 1 जुलाई 2020 से, यानी हम जो कंपनी बना रहे हैं उसमें हिसाब किताब 1 जुलाई 2020 से रखने वाले हैं। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में हम 1 जुलाई 2020 डालेंगे। इससे ये होगा कि यदि हम कंपनी में अनजाने में भी कोई ट्रांजैक्शन इसके पहले के पीरियड में रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं होगा। यहाँ एक और खास बात का ध्यान रखें, एजुकेशनल मोड में हम सिर्फ 3 ही तारीखों में काम कर सकते हैं और वो हैं 1, 2 और 31। मतलब जब आप डेट चेंज करेंगे तो टैली 1, 2 और 31 के अलावा किसी और डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ जुलाई की 1 तारीख ली है। ये देखिए एक्सेप्ट वाली विंडो आ रही है, आपने जो डिटेल्स दी हैं वो फिर से चेक कर लें, यदि ठीक है तो इसे एक्सेप्ट करने के लिए यस करना होगा, जिसके लिए वाई प्रेस करें या फिर एंटर प्रेस करें। यदि आपने जो डिटेल्स भरी हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो नो के लिए एन प्रेस करें या फिर एस्केप की प्रेस करें। ऐसा करते ही आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब यदि आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लें। अब हमें आगे कोई करेक्शन नहीं करना है तो हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल और ए की को एक साथ प्रेस कर रहे हैं। कंट्रोल और ए किसी भी स्क्रीन या विंडो को एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट है। देखिए यहाँ एक मैसेज आ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और नीचे की ओर कुछ फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। इन फीचर्स के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। अभी हम इस पॉपअप विंडो को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल और ए कीज को प्रेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन आ रही है। इसमें सबसे ऊपर दिखाई देने वाले इस भाग को टॉप मेन्यू बार कहते हैं। इसमें हमें कंपनी, डेटा, गो टू, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प आदि से संबंधित ऑप्शंस मिलते हैं। इस टॉप मेन्यू बार की विशेषता ये है कि टैली में कोई भी काम करते समय ये हमेशा टॉप पर ही उपलब्ध रहता है, और यदि हम टैली में कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को बंद किए बिना ही हम इन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप मेन्यू बार के बाद अब बात करते हैं राइट साइड बटन बार के बारे में, जिसमें अभी कुछ शॉर्टकट्स दिखाई पड़ रहे हैं। जब आप टैली में आगे काम करेंगे तो आपके काम की जरूरत के हिसाब से यहाँ के शॉर्टकट्स बदलते रहेंगे। जैसे कि अभी हमने वाउचर्स के लिए वी प्रेस किया। देखिए ऐसा करते ही वाउचर्स से संबंधित शॉर्टकट्स यहाँ पर आ गए हैं। हम वापस पिछली स्क्रीन पर जाने के लिए एस्केप की प्रेस कर रहे हैं। यहाँ जो आप गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ देख रहे हैं, इसे हम टैली का मुख्य दरवाजा भी कह सकते हैं। इसे 4 भागों में ऑर्गेनाइज किया गया है, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स। इनके बारे में हम आगे काम करते समय डिटेल में जानेंगे। अभी जो हमने कंपनी बनाई है वो खुली हुई है। देखिए यहाँ बोल्ड अक्षरों में उसका नाम दिखाई पड़ रहा है और ऊपर की ओर करंट पीरियड में जिस पीरियड में कंपनी खुली है वो दिखाई पड़ रहा है। करंट डेट में आप 1 जुलाई 2020 देख रहे हैं, ये वही तारीख है जो हमने कंपनी बनाते समय बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में ली थी। डेट ऑफ लास्ट एंट्री के नीचे कोई तारीख नहीं आ रही है, उसकी जगह पर नो वाउचर सेंटर्ड लिखा है, क्योंकि अभी हमने इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है। जब हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे तो आखिरी ट्रांजैक्शन की जो डेट होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। चलिए अब एक नई कंपनी और बना लेते हैं। उसके लिए क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर जाना होगा, जो कि अब ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने जो कंपनी बनाई है वो ओपन है। अब क्रिएट कंपनी के लिए ऊपर जहां पर कंपनी लिखा है वहां पर हमें माउस से क्लिक करना होगा या ऑल्टर और के प्रेस करना होगा। ध्यान रखें किसी भी की के नीचे यदि एक अंडरलाइन हो तो इसका मतलब है कि ऑल्टर के साथ उस की को प्रेस करना है। हम ऑल्टर और के प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए एक मेन्यू आ गया है जिसमें क्रिएट हाइलाइटेड है। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते ही कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। यहाँ कंपनी का नाम और डिटेल्स डाल देते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम में 1 अप्रैल 2020 बाय डिफॉल्ट आ रहा है और यही हमें चाहिए भी। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं।
देखिए बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में भी यही तारीख आ गई है, हम यही रहने देते हैं और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और नीचे की ओर पहले की तरह ही कुछ फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हम इस पॉपअप विंडो को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल और ए की प्रेस कर रहे हैं। अभी हमने जो नई कंपनी बनाई अब उसका नाम बोल्ड अक्षरों में दिखाई पड़ रहा है। ऊपर की ओर करंट पीरियड में जिस पीरियड में ये कंपनी खुली है वो दिखाई पड़ रहा है। करंट डेट में आप 1 अप्रैल 2020 लिखा हुआ देख रहे हैं, ये वही तारीख है जो हमने कंपनी बनाते समय बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में ली थी। चलिए अब डेमो कंपनी के नाम से एक कंपनी और बना लेते हैं। ध्यान रखें यदि हम कोई भी काम करेंगे तो जिस कंपनी का नाम बोल्ड अक्षर में दिखाई पड़ रहा है वो काम उस कंपनी में होगा। यदि आप कोई दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो कंपनी चेंज करने के लिए उस दूसरी कंपनी पर माउस से क्लिक करें। अब हम एक एक करके तीनों कंपनीज को बंद कर देते हैं। कंपनी बंद करने के लिए हमें ऊपर कंपनी पर क्लिक करना होगा या ऑल्टर और के कीज को प्रेस करना होगा। ये देखिए मेन्यू ओपन हो गया है जिसमें आप शट लिखा हुआ देख रहे हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल और F3 और यही शॉर्टकट इस तरह से लिखा हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। ध्यान रखें किसी भी की के नीचे यदि दो अंडरलाइन हो तो इसका मतलब है कि कंट्रोल के साथ उस की को प्रेस करना है। अभी हमने जो शॉर्टकट की देखी उसका उपयोग हम बाहर से ही कर सकते हैं, तो आइए उसके लिए एस्केप की प्रेस करके पहले वाली स्क्रीन पर चलते हैं। ये हम पुरानी स्क्रीन पर आ गए हैं। शट कंपनी के लिए कंट्रोल और F3 कीज को एक साथ प्रेस करें। ये देखिए शट कंपनी की स्क्रीन आ रही है और अभी टैली में जितनी भी कंपनियां खुली हुई हैं उनके नाम दिखाई पड़ रहे हैं। आप जिस भी कंपनी को बंद करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए नेम ऑफ कंपनी में से वो कंपनी हट गई है। इसी तरह हम कंट्रोल और F3 से दूसरी और फिर तीसरी कंपनी भी बंद कर देते हैं। अब टैली बंद करने के लिए एस्केप की प्रेस करें। एक पॉपअप आएगा जिसमें क्विट लिखा है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यानी पूछा जा रहा है कि क्या आप टैली बंद करना चाहते हैं। यस के लिए एंटर प्रेस करें और यदि आप टैली बंद नहीं करना चाहते हैं तो एन प्रेस करें। हम एन प्रेस कर रहे हैं। ध्यान दें इस स्क्रीन से सीधे टैली बंद करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। इन्हें एक साथ प्रेस करें। इस वीडियो में आपने जाना टैली स्टार्ट करना, नई कंपनी बनाना, कंपनी शट करना और टैली बंद करने के बारे में। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सिलेक्ट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, डिलीट कंपनी इत्यादि ऑप्शंस के बारे में।